हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, हमने पाइप एंड सर्टन जो नल और टंकी के सवाल थे वो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से जाने और कई एक सवाल कर लिए। जितने भी टाइप थे हमने सभी कवर कर लिए। अब हम आज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात समझेंगे। देखिए, अनुपात होता क्या है? अनुपात होता क्या है? अनुपात जो होता है वो जैसे कह दिया जाए, दो पदों का अनुपात क्या होगा? जैसे ए और बी दो पद हैं, इनका अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी। क्या होगा? ए अनुपात बी। अगर इसको हम भिन्न में लिखना चाहें तो देखिए, ए बटे बी भी हम लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? ए बटे अनुपात को हम ए बटे बी। तो यहां से एक बात क्या समझ में आती है, अनुपात जो है भिन्न का ही सरलतम रूप होता है। क्या लिख देंगे? अनुपात जो है, अनुपात भिन्न का सरलतम रूप होता है। अनुपात जो है भिन्न का ही सरलतम रूप होता है। अनुपात जो होता है, दो राशियों की तुलना की जाती है। अनुपात से दो राशियों की तुलना की जाती है। जैसे 2:3 है, 2:3 है, या कह दिया जाए 200:300, कह दिया जाए 20:30। देखिए, इसका मतलब ही 2:3 है। मतलब इसको दो, एक को दो, एक को तीन भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसकी जैसे कह दिया जाए परिभाषा बताइए अनुपात की, तो अनुपात की परिभाषा क्या होगी? भिन्न का सरलतम रूप। अनुपात जो होता है भिन्न का सरलतम रूप होता है, यही इसकी परिभाषा हो गई। और बताया गया समान प्रकृति की राशियों के बीच तुलना। समान प्रकृति की राशियों के बीच तुलना, जो समान प्रकृति की राशियाँ कैसे होती हैं? अब जैसे कह दिया जाए 5 मीटर और 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, या हम कह दें, देखिए हम कह दें 5,000 रुपया और 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, क्या इसका अनुपात हो सकता है? नहीं। यहाँ रुपया है, यहाँ कपड़ा है, इसका अनुपात नहीं हो सकता है। समान राशियाँ हो, राशियाँ कैसी होनी चाहिए? समान राशियों के बीच तुलना होती है। कैसी राशियों के बीच? समान राशियों के बीच तुलना होती है। जैसे अगर यहाँ मीटर दिया गया है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए पूरा। यहाँ अगर रुपया दिया गया तो यहाँ भी रुपया होना चाहिए, तब इसका अनुपात निकल पाएगा, तब इसका अनुपात निकल पाएगा। अगर समान राशियाँ नहीं हैं तो उनका अनुपात निकालना संभव नहीं है। ठीक है, अब जैसे 5 मीटर, इसका अगर हमसे अनुपात पूछ लिया जाए तो हम इसका अनुपात देखिए कैसे निकालते हैं। इसका अनुपात देखिए, यहाँ पे 5 मीटर है, इसको हमने कर लिया 500 सेंटीमीटर। क्या कर लिया? 500 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 मीटर है, इसको हमने लिख लिया 200 सेंटीमीटर और प्लस 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 225 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना है? 500 सेंटीमीटर। देखिए, इसको काट लेंगे 5 से 100, 25 से काट देंगे, 25 दूना 50 और यहाँ कितना आ जाएगा? 20। 25 दूना 50 एक जीरो आ जाएगा। इसको कटेंगे 25 नेमा 125, तो कितना आ गया? 20:9 इसका आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आया, समान राशियों के बीच तुलना होती है। अनुपात में क्या होता है? समान राशियों के बीच तुलना होती है। और एक राशि का बंटवारा भी होता है। अनुपात का मतलब अगर कह दिया जाए, जैसे 500 रुपया है, इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है, मतलब 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो एक लोगों को 200 मिल जाएंगे, 2 जीरो चिपका दीजिए, एक लोगों को 300 मिल जाएंगे। समान राशियों के बीच तुलना होती है और एक राशि का बंटवारा भी होता है इसमें। राशियों का इसमें क्या होता है? बंटवारा भी होता है, यही अनुपात होता है। अब देखिए अनुपात के बारे में आगे देखिए, जैसे कह दिया जाए, समझिए अनुपात के बारे में, 1,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये हैं, इसको
दो अनुपात तीन के अनुपात में विभाजित कीजिए, दो अनुपात तीन के अनुपात में बांटिए। किसके अनुपात में? दो अनुपात तीन के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे, पाँच क्या कर लेंगे, पाँच। मतलब राशि कितनी है, इसको दो मिली, इसको तीन मिली, टोटल राशि कितनी है, पाँच राशि है। यहाँ हज़ार राशि दी गई है, पाँच को हज़ार कर दिया, पाँच से काट दिया, पाँच दूना दस, दो सौ। इसमें दो सौ एक का मान कितना आ गया, दो सौ आ गया। तो दो का मान एक का मान दो सौ, दो का मान कितना हो जाएगा, चार सौ। तीन का मान कितना हो जाएगा, दो तियाँ छः सौ। तो देखिए हज़ार रुपये बट गए, इसको चार सौ मिल गए, इसको छः सौ मिल गए, दो अनुपात तीन के अनुपात में बट गया। ठीक है, अब देखिए इसके इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए, इसके क्या क्या फैक्ट होते हैं। नंबर एक फैक्ट देखिए, लिखेंगे फैक्ट नंबर एक, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। ठीक है, और फिर उसके बाद एक बटे ए अनुपात एक बटे बी दिया जाए, दूसरा फैक्ट है एक बटे ए अनुपात एक बटे बी दिया जाए, तो क्या होगा, बी इधर आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा, तो होगा बी अनुपात ए। ठीक है, अब देखिए ए अनुपात ए बटे बी अनुपात सी बटे ए बटे बी अनुपात सी बटे डी, ये फैक्ट दिया जाए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये इधर आ जाएगा ए डी अनुपात, ये इधर चला जाएगा बी सी। फैक्ट नंबर तीन, ए डी डी का इधर गुणा हो गया, बी का इधर गुणा हो गया, बी सी, बी सी हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया गया है। फैक्ट नंबर चार देखिए क्या है, फैक्ट नंबर चार है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे चार दिया जाए, एक बटे चार दिया जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए तुम्हें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है सही से, अब ये काय में है, बट्टे में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। दो तीन चार का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दो का इसमें करेंगे छः बार जाएगा, छः का ऊपर छः अनुपात, दो छंग 12 छः कन छः ऊपर हो गया, तीन चौके 12 चार बार गया, चार का ऊपर गुणा कर दिया अनुपात, चार तियाँ 12 तीन बार गया, तीन ऊपर हो गया, तो इसका कितना आ गया, छः अनुपात चार अनुपात तीन, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ से एक कंडीशन ये पता चल गई कि अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए और चाहे किसी भी संख्या का भाग कर दीजिए, अनुपात अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमने 12 से भाग कर गुणा कर दिया तो 12 से 12 कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखिए आगे अनुपात के बारे में समझिए, और अनुपात के बारे में अब जैसे यही है ए अनुपात बी अनुपात सी है बराबर कह दिया जाए दो बटे तीन अनुपात, दो बटे तीन अनुपात चार बटे पाँच अनुपात तीन बटे चार, ये है। इसको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना कितना सरल है, तीन तीन पाँच चार का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तिपच पंद्रह, पंद्रह चौके साठ, साठ एलसीएम आ गया। तीन का पारा साठ में कितनी बार जाएगा, तीन का पारा साठ में बीस बार जाएगा, बीस का ऊपर गुणा कर देंगे तो चालीस आ जाएगा अनुपात। पंद्रह का इसमें साठ में कितनी बार जाएगा, पंद्रह पाँच का पंद्रह में कितनी बार जाएगा, साठ में कितनी बार जाएगा, बारह पंचे साठ होता है, बारह बार जाएगा, बारह का ऊपर गुणा कर देंगे बारह चौके अड़तालीस अनुपात। चार का साठ में कितनी बार जाएगा, पंद्रह चौके साठ, पंद्रह बार गया, पंद्रह का ऊपर गुणा कर दिया कितना आ गया, पैंतालीस। तो यहाँ पे कितना अनुपात आ जाएगा, चालीस अनुपात अड़तालीस अनुपात पैंतालीस। देखिए अनुपात में चाहे किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए, चाहे किसी भी संख्या से भाग कर दीजिए, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब देखिए अब जैसे है टू ए बराबर थ्री बी, टू ए बराबर थ्री बी, इसमें तुम्हें ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी। हमने देखिए ऐसा अभी तुम्हें पहले करवा चुके हैं, देखिए हमने क्या बताया था,
ए अपान बी लिख लो, ए अपान बी लिख लो। सबसे पहले देखिए कैसे निकालते हैं, ए में कितने से गुणा है, दो से। ए में कितने से गुणा है, दो से। और दो कहाँ लिख देंगे, नीचे, तभी तो दो का ए में गुणा होगा, तभी तो टू ए आएगा। बी में कितने से गुणा है, तीन से, तीन बी नीचे है तो तीन ऊपर कर दीजिए। देखिए बी तीन का बी में करेंगे तो तीन बी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हमें मिल गया, ए अनुपात बी बराबर तीन अनुपात दो। अभी हमने बताया था अनुपात जो होता है भिन्न का ही सरलतम रूप होता है, तो तीन अनुपात दो आ गया ए अनुपात बी। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए 2a बराबर 3b बराबर 4c। इसमें तुम्हें क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमने देखिए यहाँ a का मान क्या है, इसको लिख लेंगे 1/2। क्या लिख लेंगे, 1/2। a का मान कितना है, 1/2। देखिए यहाँ से अगर हम ए की तुलना करेंगे तो 1/2 क्या आएगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, ये किसका मान आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, जब भी ऐसे बराबर में दिया जाए, जैसे अभी था 2a बराबर 3b था, तो इसको हम क्या कर सकते थे, 1/2 अनुपात 1/3 ए अनुपात बी बराबर, यही तो कर सकते थे, तीन का इधर गुणा कर दिया 3/2। अभी वाले में 3/2 आया था पहले, ऐसे आया था 3/2 ए अनुपात। जब भी ऐसे दिया जाए बराबर में संख्या का गुणा हो तो उसको 1/1/1 कर लीजिए, और बराबर जो पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात जो जो दिए गए वो उसे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 12 लाशा ले लेंगे, 12 जब लाघा ले लेंगे तो 2 × 6 = 12, 6 बार जाएगा, 6 × 6 अनुपात, 3 × 12 कितनी बार गया, 4 बार गया, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 × 4, 4 × 3 = 12, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये किसका मान है, ए अनुपात बी अनुपात सी का, 12 हटा दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 × 4/3। जब भी कोई संख्या अनुपात में, चाहे किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए और चाहे किसी भी संख्या से भाग कर दीजिए, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अनुपात के बारे में थोड़ा और समझ लीजिए और फिर सवाल अच्छे अच्छे करवाएंगे और जो समझ में भी आएंगे आप लोगों के। अब जैसे ये हो गया, अब दे दिया जाए 1/2 = b/3 = b/3, तो इसमें तुम्हें क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी ज्ञात करना है, ए अनुपात बी ज्ञात करना है, इसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ से ए अनुपात बी कैसे निकालेंगे, जब भी बटे में दिया जाए, जब भी बटे में दिया जाए, क्या किया जाए, बटे में ही दिया जाए, तो देखिए वही मान ए का हो जाता है, ए अनुपात बी बराबर 2/3, कितना हो जाएगा, 2/3। जब भी बट्टे में संख्या दे दी जाए तो उसे सीधे वही कर दीजिए, ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। और जब ऐसे दिया जाए, जैसे यहाँ पे 2a = 3b दिया जाए, तब इसे क्या करते हैं, तब हमने बताया एक अनुपात बी बराबर क्या होगा, 1/2 अनुपात 1/3। जब बराबर में दिया जाए, इनटू में संख्या हो, देखिए बराबर में तो ए भी है, जब गुणा में संख्या हो तो उसे 1/1/1 कर लीजिए ए बी के मान, और जब संख्या बटे में दी जाए गुणा में ना होके बटे में दी जाए तो ए का मान वही होता है जो बटे में है, बी का मान वही होता है जो बटे में है। समझ आ गया, अब देखिए ये इफेक्ट हो गए। अब इसके बाद आगे देखिए, 1/2 a/2 अनुपात b/3 b/3 अनुपात c/4। यहाँ तुम्हें पूछा गया a अनुपात b अनुपात c। देखिए हमने क्या बताया, जब भी बट्टे में संख्या हो वही a की संख्या हो जाती है, a अनुपात b अनुपात c तुम्हें ज्ञात करना है, तो सीधे नीचे वाली संख्या बता दीजिए, 2/3 / 4, बस लग गया। जब भी बट्टे में संख्या हो तो वही a का मान दीजिए, यहाँ पे देखिए a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4, तो a b c के 2, 3, 4। ठीक है, समझा गया, यही सवाल अगर ऐसे होता 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हम इसको क्या करते,
ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हमें निकालना होता तो हम इसको कर लेते एक बटे दो, अनुपात एक बटे तीन, अनुपात एक बटे चार, इसको ऐसे करते तब एलसीएम 12 लेते, दो छंगे 12 छः ऊपर आ जाता, तीन चौके 12 चार ऊपर आ जाता, चार तियाँ 12 तीन ऊपर आ जाता, तो 12 हटा देते तो कितना आ जाता 6 अनुपात 4 अनुपात 3। देखिए 12 कैसे हट जाता, 12 ऐसे हट जाता कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए और चाहे किसी भी संख्या से भाग कर दीजिए, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2:3 है, 2:3 है, चाहे तुम इसको 200 लिख दीजिए अनुपात 300, चाहे इसको 20 अनुपात 30 लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ा नहीं फर्क पड़ा। देखिए यहाँ 2:0 से 2:0, यहाँ भी 2:3 ही है, 0:0 यहाँ भी 2:3 है, हमने इसमें 100 से गुणा किया था, इसमें 10 से गुणा किया था, समझ आया। किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए अनुपात में, किसी भी संख्या से भाग कर दीजिए, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे हमने इसमें 12 से गुणा कर दिया तो ये कट गया नीचे वाला, ठीक है। अब देखिए इतनी बात जान चुके अनुपात के बारे में, देखिए लिख लीजिए और अनुपात के सिद्धांत क्या होते हैं। अनुपात के सिद्धांत, अनुपात के सिद्धांत, अब अनुपात के सिद्धांत क्या हैं, देखिए एक तो होता है वर्गा अनुपात, वर्गा अनुपात खंडे, वर्गा अनुपात क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी का वर्गा अनुपात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर अनुपात बी स्क्वेयर। वर्गा अनुपात का मतलब वर्ग का वर्ग कर दीजिए, वर्ग का अनुपात ए अनुपात बी का क्या हो गया ए स्क्वेयर अनुपात बी स्क्वेयर हो गया। इसी प्रकार हम कह दें 2:3 का वर्ग अनुपात क्या होगा तो क्या हो जाएगा 2×2=4 और 3×3=9, इतना आ गया वर्ग अनुपात, ठीक है। अब दूसरा वर्ग मूलानुपात, दूसरा खंड क्या है वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात क्या होता है, अब वर्ग मूलानुपात जैसे ए अनुपात बी है, इसका वर्ग मूलानुपात निकालेंगे तो इसका वर्ग मूलानुपात क्या हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी। जैसे समझिए हमने यहाँ पे कह दिया 1:9, 1:9 का वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है वर्ग मूलानुपात। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे एक पे अंडर रूट लगा देंगे, एक पे अंडर रूट लगा दिया, फिर उसके बाद हम 9 पे अंडर रूट लगा देंगे, अनुपात में 9 पे अंडर रूट लगा देंगे, एक पे देखिए एक पे अंडर रूट लगा दीजिए चाहे वर्ग कर दीजिए, एक का मतलब एक ही रहता है, चाहे एक की कितनी भी घात कर दीजिए चाहे वर्ग मूल लगा दीजिए, तो यहाँ पे आ गया एक और इसका 9 का क्या हो जाएगा अंडर रूट जब हटाएंगे क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो इसका क्या आ गया 1:3 का 1:9 का वर्गमूल अनुपात 1:3 हो गया। अब तीसरा खंड घना अनुपात, क्या लिखेंगे घना अनुपात, घना अनुपात क्या होता है, घना अनुपात जिसे कह दिया जाए ए अनुपात बी का घना अनुपात बताइए, तो ए अनुपात बी का घना अनुपात पता क्या कितना हो जाएगा ए क्यू अनुपात बी क्यू। देखिए घन कर दिया और क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे कह दिया जाए 2:3 का घना अनुपात बताइए, तो 2 की घात 3 कर देंगे, 2×4×8 आ गया अनुपात, 3 का जब घन करेंगे 3×3=9=27, तो कितना आ गया घना अनुपात 8:27, 2×3 का घना अनुपात कितना आ गया 8:27। अब चौथा खंड है घना मूलानुपात, देखिए आगे क्या है घना मूलानुपात, घना मूलानुपात देखिए घना मूलानुपात क्या हो जाएगा ए अनुपात बी का घना मूलानुपात ज्ञात करना है, तो ए अनुपात बी का घना मूलानुपात क्या हो जाएगा अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी, इस पे क्या कर देंगे क्यूब रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे क्यूब रूट,
तीन आगे लगा देंगे। इसमें तीन इसलिए नहीं लगाए, तो इस पे क्या होता है, इसका मतलब दो होता है, क्या होता है आगे दो होता है, दो होता है तो इसका दो का जोड़ा बनाते हैं। जैसे इसका हमने निकाला था तीन गुणे तीन करते दो का जोड़ा बना लेते तो क्या आ जाता, तीन बाहर आ जाता। इसमें तीन तीन का जोड़ा बनता है, इसमें तीन तीन का जोड़ा बनता है, तो हमने यहाँ पे कह दिया जैसे 27:8 का घना अनुपात ज्ञात कीजिए, या 27:64 है, 27:64 का घना मूल अनुपात ज्ञात करना है, तो 27 पे क्यूब रूट लगा दीजिए, 27 क्यूब रूट अनुपात 64 पे क्यूब रूट लगा दीजिए, 27 का कितना हो जाएगा तीन आ जाएगा, तीन गुणे तीन आ जाएगा, तीन का जोड़ा बन जाएगा तो तीन आ जाएगा, और उसके बाद 64 का 4 गुणे 4 गुणे 4 आ जाएगा तो 3:4 आ गया घना मूल अनुपात। ठीक है, अब देखिए अनुपात के सिद्धांत चल रहे हैं, अब कौन कौन से हो गए, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घना अनुपात, घना मूल अनुपात। अब देखिए इसके बाद अब आ जाइए इस पे, कुछ देखिए घना मूल अनुपात हो गया, अब इसके बाद व्युत्क्रमानुपात, कौन सा व्युत्क्रमानुपात, कौन सा नंबर था, पांचवा नंबर व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, ए अनुपात बी, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो इसका क्या हो जाएगा बी अनुपात सी, उल्टा कर दीजिए। जैसे कह दिया जाए 2:3 का व्युत्क्रमानुपात बताइए तो 3:2 उल्टा हो गया। ठीक है, और मिश्रित अनुपात क्या होता है, कौन सा मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात जैसे कह दिया जाए छठवा खंड, नहीं ये तो पांचवा खंड था, ये छठवा खंड, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात होता है ए अपान बी और ए अनुपात बी सी अनुपात डी। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी, ए अपान बी सी अपान डी, तो क्या हो जाएगा ए सी अपान बी डी, मिश्रित अनुपात। ठीक है, और देखिए अब इसके बारे में थोड़ा जो आगे है सवाल वाल हैं वो कल करवाएंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।